उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल रविवार यानी 19 सितंबर को पूरे हो गए थे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौका नहीं चूका और उन्होंने योगी सरकार पर बड़ी तीव्रता के साथ जबरदस्त हमला कर दिया। अखिलेश यादव ने सरकार को दम्भी बताया और कहा कि ये जुमलेबाज सरकार है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने इस सरकार को एक नया नारा भी दे दिया। अखिलेश ने कहा, ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास और ठग का प्रयास। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया और कहा कि 54 गुजरे, 6 महीने बचे। इस दम्भी सरकार के किसान, गरीब महिला व युवा पर अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई, नफरत व ठप कारोबार। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार पिछले कुछ समय से बीजेपी पर जमकर हमले कर रहे हैं। अखिलेश यादव ना सिर्फ ट्विटर पर बल्कि जहां पर भी वो मीडिया के सामने मिलते हैं या फिर जनता से मुलाकात करते हैं, तमाम जगहों पर योगी सरकार पर तेज हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं, तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। इससे ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने यह तय कर लिया है कि 2022 में किसी भी तरह से उन्हें अपनी वापसी करनी होगी, इसको लेकर अखिलेश यादव अब काफी गंभीरता से जुट चुके हैं। अखिलेश यादव काफी लंबे समय से लगातार तमाम छोटे दलों के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं। इन मुलाकातों के अलावा उन्होंने अपने पुराने दलों के साथ भी हाथ मिला लिया है और न सिर्फ अपने प्रदेश के दल बल्कि महाराष्ट्र, बंगाल और ऐसे तमाम और राज्यों के साथ भी उन्होंने हाथ मिला लिया है कि वो किसी भी तरह से योगी सरकार को 2022 में वापसी ना करने दे और खुद की वापसी तय कर ले। इस बार ये जरूर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव 2000 में की गई गलतियों को अब दोहराना नहीं चाहते हैं। 2022 के लिए अखिलेश यादव ने नई रणनीति और नई तैयारियां कर ली हैं, जिसकी भनक बहुत लोगों को अभी तक नहीं लगी है, लेकिन अखिलेश यादव अपने काम में जुट चुके हैं। उसका असर 2022 के चुनाव पर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने जहां पर बीजेपी की धर्म की राजनीति में भी छेद करते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व का दामन थाम लिया है, वहीं पर उन्होंने जातियों के साथ भी खूब हाथ मिला रखा है। तमाम समीकरण को देखते हुए जरूर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव 2022 में अपनी जीत को सुनिश्चित जरूर करना चाहते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।